आदित फ्रॉम आदित गिटार लेसन्स। बहुत महीनों के बाद मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट आई हैव बीन वेरी बिजी विद माई वर्क। तो वीडियो शूट करना, एडिट करना, फिर अपलोड करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो वो मैं कर नहीं पा रहा था। लेकिन मैं गिटार बजाना मैंने नहीं रोका, आई स्टिल प्ले माई गिटार एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे, एंड आई स्टिल मेक सम छोटी मोटी रिकॉर्डिंग्स ऑन माई मोबाइल फोन विच आई अपलोड ऑन इंस्टाग्राम। सो अगर आप इफ़ यू जस्ट वॉन्ट स्टे इन टच विद मी एंड यू वॉन्ट टू सी नॉट सो एडिटेड वीडियोज ऑफ मी प्लेइंग, तो आप काइंडली मेरे को इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करिए। और मैं फेसबुक में भी हूँ, तो फेसबुक में भी मेरा पेज है aditsguitarlessons.com, तो आप चाहें तो आप उसमें भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं, जस्ट टू स्टे अपडेटेड ऑन व्हाट आई एम डूइंग। एनीवेज, वी कम बैक टू दिस वीडियो। तो अभी क्या हुआ, थोड़े दिन पहले मैं गिटार बजा रहा था एंड आई ब्रोक माई फर्स्ट स्ट्रिंग। तो मेरे को अपनी इंटायर स्ट्रिंग्स तो चेंज करनी थी, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो हैड टू क्लीन एंड कंडीशन माई फ्रेटबोर्ड, जो कि एक प्रैक्टिस है, मैं करता रहता हूँ। तो आई थॉट व्हाई नॉट जस्ट मेक अ वीडियो फॉर दिस, सो दैट अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं ये चीज़ करने में, जो कि आपको होना चाहिए बिकॉज ये करना बहुत ज़रूरी है, तो इट माइट जस्ट हेल्प यू एज वेल। ओके, सो टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी प्राइमरली अबाउट क्लीनिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ योर फ्रेटबोर्ड। ठीक है, तो फ्रेटबोर्ड में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं ताकि फ्रेटबोर्ड ज़्यादा देर तक सही रहे, आपका गिटार भी सही रहे, और आपकी स्ट्रिंग्स भी हैं, स्ट्रिंग्स भी बेटर साउंड करें, लॉट ऑफ बेनिफिट्स। ओके, सो दैट्स व्हाट टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट। तो ये मेरा गिटार है, और तो इसके लिए हमारे को क्या इक्विपमेंट चाहिए, मैं आपको सारा इक्विपमेंट भी बताऊंगा, और जो इक्विपमेंट है उसके लिंक्स होंगे नीचे वीडियो के नीचे, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें लिंक्स भी होंगे, तो आप उसमें क्लिक करके यू कैन एक्चुअली परचेज देम। अमेजॉन लिंक्स होंगे, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो बाय द वे, सो ऐसा नहीं है कि मेरे को इन प्रोडक्ट्स ने बोला है, लेकिन देर आर सम प्रोडक्ट्स विच आई थिंक आपको बाय करना चाहिए बिकॉज दे आर वेरी गुड इन्वेस्टमेंट्स फॉर लेटर, एंड कई चीज़ें हैं जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि लेने की ज़रूरत नहीं है, सो यू कैन एक्चुअली यूज़ सम हाउसहोल्ड थिंग्स। तो सबसे पहले तो ये मेरा गिटार है, सबसे पहले तो आपको एक नेक जो है नेक के नीचे कुछ रखिए ताकि गिटार मूव ना करे। तो आई जनरली यूज़ माई, यू कैन यूज़ एनीथिंग। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं अपना ट्रैवल टॉयलेटरीज का जो किट है वो रख रहा हूँ, तो अब इससे क्या है कि मेरा गिटार ज़्यादा मूव नहीं करेगा। ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो यूज़ समथिंग लाइक दैट। वैसे एक स्टैंड भी होता है जस्ट टू कीप योर गिटार नेक ऑन, तो उसकी ज़रूरत नहीं, आई डोंट थिंक इट्स नीडेड। ओके, सो आई एम जस्ट यूजिंग माय टॉयलेट किट। नाउ जस्ट रिमेंबर कि जो फ्रेटबोर्ड है, फ्रेटबोर्ड को क्लीन आपको कब करना है। सो देर आर थ्री इंस्टेंसेस, नॉट इंस्टेंसेस, तीन टाइम हैं जब आपको अपना फ्रेटबोर्ड को हमेशा क्लीन रखना है। पहला तो है रेगुलरली जो होता है, अब उसके लिए क्या करना है, आप कुछ भी एक कपड़ा लीजिए। सो आई यूज़ दिस फ्लैनल, ये जनरली जो आप वो सनग्लासेस वगैरह खरीदते हैं या स्पेक्स को साफ करने के लिए मैं यूज़ करते हैं, तो इट्स अ वेरी सॉफ्ट क्लॉथ, लेकिन आप कुछ भी नॉर्मल क्लॉथ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एवरी टाइम यू प्ले द गिटार, प्रेफरेबली एवरी टाइम, सो बिफोर प्लेइंग द गिटार एंड आफ्टर प्लेइंग द गिटार, जस्ट टेक अ क्लॉथ और अपने फ्रेटबोर्ड को से क्लीन कर लो। ठीक है, दिस इज़ प्राइमरली बिकॉज आपके जो फिंगर्स होते हैं, फिंगर्स में नेचुरल ऑयल होता है, फिंगर्स गंदी भी होती हैं कभी कभी, एंड यू जस्ट स्टार्ट प्लेइंग। आई डू अंडरस्टैंड कि एवरी टाइम इट माइट नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि काफ़ी बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं उस गिटार पकड़ता हूँ, बजाने लग जाता हूँ और मैं रख देता हूँ, मैं साफ नहीं करता, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग दैट यू शुड ट्राई, इट्स अ गुड हैबिट कि आप अपने फ्रेटबोर्ड को रेगुलरली क्लीन करें। सो रेगुलरली कपड़े से बस वाइप करना है और कुछ नहीं करना, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। ठीक है, जितना ज़्यादा आप फ्रीक्वेंटली ये करेंगे, उतना ही कम आपको बाकी चीज़ें करनी पड़ेंगी। सो मैं अगर अपना फ्रेटबोर्ड बोलूँगा तो मेरा फ्रेटबोर्ड इज़ नॉट वेरी डर्टी, but that's primarily because of good habits that I've maintained in the past many years, which is why it's not so dirty as baki logon ke fretboards hote hain jo maine dekhe hote hain, very dirty and bahut gand hota hai usme. theek hai, to pehli cheez to ye hai, jab bhi aap play kare, before that and after playing the guitar, just wipe it with any cloth, preferably a soft cloth. acha ek cheez aur ki jo fretboard hota hai, uska jo grain hota hai wo is direction mein hota hai, so you should always clean it in the direction of the grain. ऐसे मत करो, कपड़े के साथ कोई प्रॉब्लम ज़्यादा होएगी नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए आप कुछ हार्ड सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, तब यू शुड नेवर गो अगेंस्ट द ग्रेन, तो ग्रेन इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में क्लीन मत करना। वंस अगेन, सॉफ्ट कपड़े से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी जस्ट मेक इट अ हैबिट कि मैं गिटार को ऐसे ही साफ करूँगा, ऐसे ना। ठीक है, सो दैट्स जस्ट कीप दैट इन माइंड। ओके, सो दैट्स द फर्स्ट इंस्टेंस जब आपको अपना गिटार का फ्रेटबोर्ड क्लीन करना है, विच इज बिफोर यू प्ले एंड राइट आफ्टर यू प्ले, एज frequently as possible. Okay?
तो पहली चीज़ तो ये होगी. अब दूसरा टाइम आपको अपना फ्रेटबोर्ड को कब क्लीन करना है, दैट इज व्हेन यू आर चेंजिंग द स्ट्रिंग्स. आओ मेरे पैर में दर्द हो रहा है. एनीवेज अब मैं ऐसे बैठता हूँ. बहुत ईजी हो गया क्या? ओके एनीवेज सो सेकंड टाइम इज व्हेन यू आर चेंजिंग द स्ट्रिंग्स. अब स्ट्रिंग्स को भी कब चेंज करना है, इसमें मेरे को बहुत लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि स्ट्रिंग कब करनी चाहिए. तो मेरे हिसाब से स्ट्रिंग्स आइडियली यू शुड चेंज एवरी 5 to 6 months. ठीक है? एंड ऑलवेज इन्वेस्ट इन अ गुड क्वालिटी, गुड कंपनी. जो ब्रांडेड होते हैं वो ऑब्वियसली बेटर होते हैं. इंडिया में मैंने देखा है काफ़ी चीप ब्रांड्स भी आते हैं. करुणा करके एक ब्रांड आता है, एलिस करके एक ब्रांड आता है, विच आर स्लाइटली चीपर. मैं पहले यूज़ वही करता था, जब मैं कॉलेज में था तो मैं एलिस ही यूज़ करता था. लेकिन एंड दे आर गुड स्ट्रिंग्स, ऐसा नहीं है कि बुरे हैं, लेकिन वो अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली स्ट्रिंग्स चेंज करने पड़ेंगे. अब दूसरी ऑप्शन ये है कि आप जो ब्रांडेड होती हैं कंपनीज उनको ले लीजिए. अब वी विल टॉक अबाउट दोज ब्रांड्स इन सम अदर वीडियो. लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप चीप स्ट्रिंग्स ले रहे हैं जो सस्ती क्वालिटी होती हैं, तब आपको थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ेगा. अगर आप थोड़ी अच्छी क्वालिटी की ले रहे हैं तो थोड़ी ज़्यादा देर एक्स्ट्रा चलेंगे. तो मैं अच्छी कंपनी की लेता हूँ, मेरे को लगता है अच्छी कंपनी है, तो इसलिए मैं 5 to 6 months में चेंज करता हूँ. अगर मान लो ऑब्वियसली अगर स्ट्रिंग एक आध स्ट्रिंग टूट गई तो मैं सिर्फ उसी स्ट्रिंग को रिप्लेस करता हूँ, आई डोंट चेंज द इंटायर सेट. ठीक है? बट पूरा जो सेट होता है 5 to 6 months में जनरली मैं चेंज करता हूँ. सो सेकेंड टाइप, हम कमिंग बैक टू द टॉपिक कि गिटार फ्रेटबोर्ड क्लीन करना है, तो सेकेंड टाइप जो है वो मैं तब करता हूँ जब मेरे को पूरा का पूरा स्ट्रिंग सेट चेंज करना होता है. तो अभी मैं वील एक्चुअली डू दैट थिंग एज वेल. तब इसके लिए देर इज वन टूल, इनफैक्ट विल कम द टूल लेटर, बट सबसे पहले ऑब्वियसली क्या करना है, आई हैव टू टेक द स्ट्रिंग्स आउट. तो स्ट्रिंग्स को निकालने के लिए देर इज दिस वन टूल विच आई थिंक यू एब्सोल्युटली नीड टू बाय. ठीक है? वो जो इसका ये फ्रेट गिटार के फ्रेटबोर्ड के लिए वो रेस्ट था, वो नहीं चाहिए, स्टैंड नहीं चाहिए हमारे को, हमने अपना ये किट रख लिया. लेकिन ये जो टूल है, दिस इज एक्चुअली स्ट्रिंग वाइंडर एंड कटर. दिस इज अ टूल दैट यू एब्सोल्युटली नीड टू हैव. ठीक है? इनफैक्ट दो टूल्स होंगे जो मेरे हिसाब से आपको ज़रूर लेने हैं. ठीक है? थोड़ा सा आप सोचेंगे कि यार क्या फालतू का पैसा यूज़ करना, बट बिलीव मी ये बहुत पुराना है. मैंने कुछ 6 साल पहले लिया होगा, सिक्स ईयर्स 2012 में लिया था मैंने बॉम्बे से. एनीवेज सो ये प्लैनेट वेव्स का स्ट्रिंग वाइंडर एंड कटर है. दिस इज एन अमेजिंग टूल. ठीक है? इसमें बहुत सही सही फीचर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये आप ज़रूर लीजिएगा, आप देखना इसका फ़ायदा क्या है. तो पहली चीज़ तो इट्स अ स्ट्रिंग वाइंडर. स्ट्रिंग वाइंडर बोले तो अगर आपको स्ट्रिंग्स लगानी है या निकालनी है, तो ये मैं फालतू में ऐसे से घुमाने से बेटर है आप इसको बस ऐसे रखिए और यू जस्ट ऐसे करिए. यू सी दैट? इट्स अ लॉट ईजियर, राइट? इसको ऐसे करें, ऐसे घुमाएं. तो इट्स अ लॉट ईजियर देन करना फिर बाद में टाइप करते रहें. सो यू जस्ट यूज दिस एंड मूव इट. ये मेरा थोड़ा एंगल अभी इतना सही नहीं है, क्योंकि मैं आई जस्ट वांट टू इंश्योर कि आपको सब दिख रहा है, इसलिए थोड़े से मैं पंगे कर रहा हूँ. पर आपने देखा कि इट टुक मी सच लिटिल टाइम टू एक्चुअली की लूजिंग ऑल माई स्ट्रिंग्स. अगर मैं हाथ से करूँगा तो मेरे को बहुत टाइम लगेगा. सो दैट्स द बेस्ट फीचर अबाउट दिस. नॉट द बेस्ट फीचर, बट इट्स वन ऑफ द मेन रीजन्स मैं आपको चाहिए. तो ये तो स्ट्रिंग वाइंडर का काम हो गया. तो स्ट्रिंग वाइंडर्स आपको बहुत मिलेंगे, ऐसा एक गोल सा होता है और एक सामने डंडी सी होती है, उसको पकड़ के. लेकिन ये जो है ये स्ट्रिंग वाइंडर एंड कटर भी है. तो इससे फ़ायदा क्या है कि आप इसको इससे आप स्ट्रिंग्स को काट भी सकते हैं. ठीक है? वो लेकिन अभी हमारे को स्ट्रिंग्स को कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो ये कटर का भी काम करता है. तो ये प्लैनेट वेज कंपनी का है, ये अमेजोन में करंटली 672 rupees का है. इट्स अ मस्ट बाय. सो आप सोचो मत, जस्ट गो टू अमेजोन एंड बाय दिस. सोचना भी मत. ठीक है? इट्स एन अमेजिंग इन्वेस्टमेंट. ये पूरी ज़िंदगी आपके काम आएगा. तो इस पर कंजूसी मत करना. ठीक है? तो ये इसका दूसरा एक बेनिफिट होता है कि इसमें कटर होता है. लेकिन इसमें एक तीसरा फीचर होता है, वो ये होता है कि जो वाइंडिंग सेक्शन है यहाँ पे एक छोटा सा स्लॉट है. अब ये स्लॉट से क्या फायदा करते हैं कि आपके जो पिन्स हैं ब्रिज पिन्स, अब ये ब्रिज पिन्स निकालना, अगर आप उंगली से निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा. तो ये जो स्लॉट होता है, ये यू शेप है,
ये ऐसे करके ब्रिज पे ये नीचे जाता है एंड देन यू कैन जस्ट लिफ्ट इट लाइक दिस, ये ब्रिज पे आराम से निकल जाता है. आई थिंक दैट्स अ ह्यूज बेनिफिट. नहीं तो अगर आप उंगली से करने बैठेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप ब्रिज पे लगाइए जस्ट टेक ऑफ लाइक दैट. ठीक है, तो उसके ये तीन बेनिफिट्स हैं विच आई थिंक आर इनक्रेडिबल. तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली परचेज दिस. इसका वंस अगेन जो अमेजोन लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप उसमें क्लिक करके भी ले सकते हैं. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैंने नीचे लिंक्स लगाए हैं वो अफिलिएट लिंक्स होते हैं. अफिलिएट लिंक का मतलब ये होता है कि अगर आप उस लिंक को क्लिक करके परचेज करेंगे तो आपको सेम रेट, आपको कुछ डिफरेंट रेट नहीं होगा. ऐसा नहीं है कि आपका रेट बढ़ जाएगा, इट इज द सेम रेट. अगर आप नॉर्मली अमेजोन पे जाएं और आप सर्च करके प्लैनेट वेव्स स्ट्रिंग वाइंडर एंड कटर सर्च करेंगे सेम रेट होगा. लेकिन अगर आप मेरे लिंक के थ्रू जाएंगे तो उसका छोटा सा एक स्मॉल परसेंटेज मेरे को एज रिकमेंड, क्योंकि मैंने रिकमेंड किए प्रोडक्ट तो मेरे को थोड़ा सा फी मिलता है. मिलता नहीं है वैसे, मिलेगा. तो इफ़ यू थिंक दैट आई हैव बीन हेल्पिंग यू एंड यू जस्ट वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट इन सम वे, देन इट बी नाइस इफ यू जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक एंड देन परचेज इट. सो या आई एम जस्ट लेटिंग यू नो. बट ऐसा नहीं है कि आपको महंगा पड़ेगा अगर आप उस लिंक से करेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट. इट बी द सेम रेट बट आई गेट अ लिटिल बिट ऑफ अ बेनिफिट. ठीक है, सो उनको अफिलिएट लिंक्स कहते हैं. चलिए एनीवेज, तो हमने पूरे अपने 7 ब्रिज पिन्स निकाल लिए. अब हमारे को क्या करना है, हमारे को सारी स्ट्रिंग्स निकालनी है. ठीक है, तो लेट मी जस्ट डू दैट एंड देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. All right guys, so मैंने सारी स्ट्रिंग्स निकाल ली हैं. अब हम क्या करेंगे, हम वही एक क्लॉथ लेंगे एंड क्लॉथ से वी जस्ट क्लीन द फ्रेटबोर्ड. पहले मैं गिटार हेड जो है इसको क्लीन कर रहा हूँ. अब मैं गिटार का जो फ्रेटबोर्ड है इसको इन द सेम डायरेक्शन एज द ग्रेन आई जस्ट क्लीन इट. तो ये चीज़ जो है ये तो आपको स्टेप करना है एवरी टाइम यू चेंज द स्ट्रिंग्स, क्योंकि स्ट्रिंग्स चेंज करेंगे तो आपको सारा निकालना तो पड़ेगा. तो माइट एज वेल जस्ट यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू क्लीन द एंटायर फ्रेटबोर्ड. ठीक है, अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने गिटार अपना रेगुलरली क्लीन नहीं कर रहे हैं तो क्योंकि आपकी फिंगर्स में भी ऑयल होता है तो आप जब प्ले करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारा गंक जम जाता है फ्रेट्स के आसपास और फ्रेट्स के ऊपर भी. ठीक है, ये मेटल फ्रेट्स के आसपास और ये बीच में भी. तो इसको क्लीन करने के मल्टीपल तरीके होते हैं. काफ़ी लोग होते हैं वो लेमन ऑयल यूज़ करते हैं, जो कि हम आएंगे उस प्रोडक्ट में, दिस इज लेमन ऑयल. लेकिन रिमेंबर कि लेमन ऑयल जो है इट्स नॉट अ क्लीनर, इट्स अ कंडीशनर. ठीक है, तो इससे क्लीन नहीं करते, इसको आफ्टर क्लीनिंग यूज़ करते हैं. काफ़ी लोग होते हैं जो इसके लिए लाइटर फ्लूइड यूज़ करते हैं, जो लाइटर होता है लाइटर का फ्लूइड निकाल के या पेट्रोल से. प्लीज़ डू नॉट यूज़ दीज प्रोडक्ट्स. हो सकता है आपके कोई फ्रेंड्स होंगे जो यूज़ करते हैं, उनके गिटार्स आर ओके, बट दैट डज नॉट मीन कि आपका गिटार सही रहेगा. सो डू नॉट यूज़ ऑल दीज फ्लूइड्स. द बेस्ट थिंग लाइक आई सेड इज़ ऑफकोर्स कि आप रेगुलरली अपने गिटार को क्लीन करते रहें ताकि आपको वो सब करने की जरूरत ही ना पड़े. लेकिन फिर भी अगर आपका गिटार गंदा है देन यू कैन मूव ऑन टू समथिंग लाइक दिस विच इज अ प्लास्टिक कार्ड. ठीक है, अब ये प्लास्टिक कार्ड से क्या करना है आपको, सेम इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेन क्लीन कर सकते. डू नॉट यूज वाटर एज वेल. सीन साम पीपल मेरे को इनफैक्ट मैं देखा तो नहीं मैंने, पर मैंने सुना है कि कई लोग सोप्स सोपी वाटर को भी थोड़ा सा कपड़े में लगा के करते हैं. नहीं करना चाहिए, वुड के साथ ऑब्वियसली वुडन वाटर इज अ बिग नो. ओके, सो कोई भी प्लास्टिक कार्ड होता है क्रेडिट कार्ड टाइप्स उससे आप कर सकते हैं. ठीक है, अगर मान लीजिए फिर भी नहीं हो रहा then what you can do is अच्छा इसके अलावा आप अपना टूथब्रश भी कर सकते हैं. जस्ट टेक अ सॉफ्ट टूथब्रश एंड टूथब्रश को भी आप क्लीन कर सकते हैं. सो लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन एक्चुअली यूज जस्ट टू क्लीन द फ्रेटबोर्ड. अगर मान लो फिर भी नहीं हो रहा बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ गंक, बहुत ज़्यादा जमा हुआ है, देन एक्सरसाइज कॉशन. लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप एक स्टेनलेस स्टील का जो ब्लेड होता है डबल साइडेड रेजर ब्लेड
उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ध्यान से करना। मैं आपको स्टेनलेस स्टील सॉरी वो डबल साइडेड ब्लेड क्यों बोल रहा हूँ, चाकू वाकू नहीं करना, चाकू यूज़ नहीं करना। स्टेनलेस स्टील के ब्लेड से क्या फ़ायदा है कि वो बहुत सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट बोले तो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। तो उसको भी करने का एक तरीका, मेरे पास अभी वो ब्लेड है नहीं तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन आई जस्ट गिव यू अ डेमोंस्ट्रेशन। मान लीजिए ये ब्लेड है, ठीक है, मान लीजिए ब्लेड ऐसे ही होता है, सॉफ्ट सा होता है, तो आप उसको लाइटली जेंटली पकड़ें फिंगर में और इसको ऐसे ही करें, ठीक है। हार्ड पकड़ के मत करना, सॉफ्टली करना ताकि आपका जो गंग है वो स्क्रेप ऑफ हो जाए, ठीक है। वंस अगेन यू हैव टू डू इट वेरी केयरफुली, क्योंकि आपका वुड है, वुड पे अगर आप रेजर करेंगे तो वुड भी इरोड हो सकता है, लेकिन आप वुड ना करने के लिए आप सॉफ्टली इसे पकड़ें और जेंटली क्लीन करें। आपको ऑब्वियसली पता लग जाएगा जब आप खुद कर रहे आएंगे कि आप क्लीन कर रहे हैं कि उसको पूरा लकड़ी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वंस अगेन इट्स अ वेरी इट्स समथिंग विच यू शुड डू विद अ लॉट ऑफ केयर, ठीक है। ध्यान से करना है, ऐसा नहीं कि जोर से हमने पकड़ा। एंड अगेन इसमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हमने अगेंस्ट द ग्रेन नहीं जाना, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका वुड डेफिनेटली खराब होगा, ठीक है। तो अगर बहुत ही टफ है तब आपको स्टेनलेस स्टील का जो डबल साइडेड रेजर होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। मेरा गिटार फॉर्चुनेटली, क्योंकि मैंने अच्छी प्रैक्टिसेस मेंटेन करी हैं, तो मेरा गिटार इतना डर्टी नहीं है, लेकिन अगर है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमने कपड़े से किया, अगर कपड़े से नहीं हो रहा, सिर्फ कपड़े से नहीं हो रहा, देन वी टेक अ क्रेडिट कार्ड और वी कैन टेक अ टूथब्रश, सॉफ्ट टूथब्रश, उसको उससे कर सकते हैं, या आप चाहें तो टूथपिक से भी थोड़ा सा जो साइड्स हैं टूथपिक से भी क्लीन कर सकते हैं, और अगर उससे भी क्लीन नहीं हो रहा, देन व्हाट डू यू, यू टेक अ स्टेनलेस स्टील रेजर एंड रेजर को जेंटली आपने लगा दिया। ओके, सो हमारा गिटार का जो फ्रेटबोर्ड है ये क्लीन हो चुका है, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड स्टेज पे, और ये थर्ड स्टेज है, दिस इज समथिंग विच मैं साल में एक बार ही कर लेता हूँ, कभी कभी मैं इसको साल में मतलब 8-9 महीने में एक बार भी कर लेता हूँ, कभी कभी मैं एक साल में एक ही बार करता हूँ, ठीक है। तो वी कम टू वो कब है, कब रीजंस है मैं जल्दी करता हूँ, कब है मैं थोड़ा लेट करता हूँ, बट इस स्टेज में बेसिकली हम दो चीज़ें करेंगे। पहली चीज़ तो हम इसकी जो फ्रेट्स हैं इन फ्रेट्स को स्क्रब करेंगे ताकि वो एकदम क्लीन हो जाए, और देन हम क्या करेंगे, इसका जो फ्रेटबोर्ड है फ्रेटबोर्ड को हम कंडीशन करेंगे। तो पहली चीज़ है फ्रेट्स को स्क्रब करना। अब फ्रेट्स को स्क्रब करने के लिए क्या करते हैं, there is actually this thing called steel wool, ठीक है। वो steel wool भी Amazon में मिलती है। steel wool कौन सी होती है, आपको different different gauges की होती है, तो इसमें generally 0000 number, मतलब 4 zeros number 0000 recommended वो होती है, क्योंकि वो थोड़ा soft wool होता है, steel होता है लेकिन soft wool होता है, तो वो Amazon में कुछ 700 rupees का मिलता है, नीचे link होएगा, but I don't really recommend आप वो खरीदें, क्योंकि फालतू में 700 rupees क्यों वेस्ट करना है, ठीक है। तो मैं इनफैक्ट मैं खुद भी वो यूज़ नहीं करता कभी, लेकिन अगर आप चाहें तो आपका पैसा है और आप चाहते हैं कि एग्जैक्ट वैसे करना है, तो आप स्टील वूल को यूज़ कर सकते हैं। स्टील वूल से बेनिफिट क्या है कि आपका जो फ्रेट होता है, फ्रेट कभी डैमेज नहीं होगा अगर आप सही डायरेक्शन में जाएं, तो जो 0000 गेज वाला होता है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप वो लेके क्लीन कर सकते हैं, तो उसके साथ आपको वो ब्लेड वाला तरीका भी यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो स्टील वूल से ही आप अच्छी तरह जो गंग होगा उसको क्लीन कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास 700 rupees नहीं है कि आप वो स्टील वूल यूज़ करें, तो आप क्या कर सकते हैं, जो नॉर्मल किचन स्क्रबर होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको यूज़ करने का तरीका है, तो ये नॉर्मल जो किचन स्क्रबर होता है मैंने उसमें से काट दिया है, ठीक है। ये मैंने कैंची ली और मैंने नॉर्मल जो स्क्रबर था उसमें से एक छोटा सा पीस काट के रखा हुआ है, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। लेकिन इसको यूज़ करने का प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये फ्रेटबोर्ड में लगा, क्योंकि ये मोटा है, हार्ड होता है, अगर ये फ्रेटबोर्ड में मैंने करा तो फ्रेटबोर्ड डैमेज हो सकता है। सो इसीलिए आपको फ्रेटबोर्ड को प्रोटेक्ट करना होगा बिफोर यू क्लीन स्क्रब द फ्रेट्स। अब उसके लिए भी प्रोडक्ट आता है, मतलब हर चीज़ के लिए प्रोडक्ट तो बने हुए हैं। आई डोंट नो उसका मैं लिंक दूंगा कि नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे को पता नहीं अमेजोन में मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन आई हैव नेवर बॉट इट, ठीक है। तो आई एम श्योर आ तो आएगा, वो भी कुछ 700-800 rupees कम से कम का होएगा, यूजलेस चीज़ है। मैं उसके लिए क्या करता हूँ, आई यूज़ अ विजिटिंग कार्ड। अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, आपको बेसिकली एक फ्रेट प्रोटेक्टर बनाना है ताकि आप अपने फ्रेट्स को क्लीन कर सकें और आपका फ्रेट बोर्ड जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो आपने एक विजिटिंग कार्ड लीजिए और विजिटिंग कार्ड को हाफ फोल्ड करिए। आई डोंट नो अगर आपको क्लीन वैसे पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बट इसमें कुछ देखने की बात नहीं है, आपने
विजिटिंग कार्ड लिया, उसको हाफ फोल्ड करा, ठीक है। अब इसमें सिजर्स लेता हूँ और मैं इसमें एक छोटा सा कट लगाता हूँ और एक तरह एक छोटा सा कट मैं इस तरफ लगाता हूँ एंड देन मैं इसको बीच में से टेयर कर देता हूँ। स्निप कर दिया। तो बेसिकली नाउ व्हाट यू गेट इज आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसके बीच में क्रेडिट कार्ड या विजिटिंग कार्ड के बीच में एक स्लॉट हो जाएगा। आई होप आपको दिख रहा होगा ये स्लॉट। ओके सो अब इससे क्या हो गया, नाउ यू कैन एक्चुअली यूज दिस ऑन द फ्रेटबोर्ड एंड यू कैन क्लीन योर फ्रेट विदाउट एक्चुअली हार्मिंग द फ्रेटबोर्ड, ठीक है। सो लेट्स से इट्स अ वेरी नीट लिटिल ट्रिक। तो आपको फ्रेटबोर्ड क्लीनर फ्रेटबोर्ड प्रोटेक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको रखिए, हर फ्रेट पे रखिए, अपना स्टील वूल लीजिए जो नॉर्मल हाउस होल्ड स्टील वूल होता है जो हार्ड वाला होता है और उसे आप अपना पूरा को पूरा फ्रेट को क्लीन कर सकते हैं। कूल ट्रिक राइट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एवरी टाइम यू कंडीशन योर फ्रेटबोर्ड। तो मैं क्विकली इसको पूरे के पूरे फ्रेटबोर्ड को क्लीन कर लेता हूँ विद द स्टील वूल। Okay guys, so the frets have been cleaned. अब इसका थोड़ा सा स्टील जो वूल है इसके थोड़े से आपको पार्ट्स हो सकते हैं कि देखें तो यू कैन जस्ट यूज योर क्लॉथ टू कम्प्लीटली क्लीन इट आउट। हाँ एक चीज याद रखिएगा, जो जो मैंने आपको स्टील वूल बताया था 0000 जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें ये स्टील के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा निकलते हैं बिकॉज इट्स वेरी सॉफ्ट। सो अगर आप इलेक्ट्रिक गिटार या आपके अकूस्टिक गिटार में अंदर कोई मैग्नेटिक पिकअप है तो इट्स ऑलवेज रेकमेंडेड कि आप उसको टेप से कवर कर दें। अगर पिकअप्स लगे हैं तो पिकअप को टेप से कवर कर दें, या अगर आपके अकूस्टिक गिटार में अंदर मैग्नेटिक पिकअप है तो पूरा का पूरा साउंड बॉक्स को कवर कर दें ताकि वो स्टील के पार्टिकल्स हैं वो आपके पिकअप्स में जाके ना लग जाए, ठीक है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उसको कवर करें, बट मेरे को अपने करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनीवेज आई एम नॉट यूजिंग द 0000 गेज स्टील वूल, मैं नॉर्मल यूज कर रहा हूँ, ये इतना ज़्यादा टूटता नहीं। तो यस नाउ आई हैव क्लीन्ड माय फ्रेट्स, नाउ वी विल कम टू द फाइनल स्टेप व्हिच इज टू कंडीशन द फ्रेटबोर्ड। अब जो कंडीशनिंग है इसकी क्यों जरूरत होती है, ये फ्रेटबोर्ड जो है फ्रेटबोर्ड ऑब्वियसली गिटार तो वुड का बना होता है। अब वुड ऑलवेज हैज सम ऑयल, उसके अंदर एक नेचुरल ऑयल होता है जो विद टाइम इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। अब इवेपोरेट हो जाएगा तो वुड ड्राई हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा तो ऑब्वियसली इट विल क्रैक एज वेल, ठीक है। तो आपका फ्रेटबोर्ड खराब हो सकता है उससे। लेकिन जैसा कि आपको बताया हमारी फिंगर्स में भी नेचुरल ऑयल होता है तो हम जब भी प्ले करते हैं तो इट स्टेज कंडीशन टू सर्टन एक्सटेंट, थोड़ा मॉइस्ट रहता है, ठीक है। लेकिन फिर भी गिटार फ्रेटबोर्ड की लॉन्जिविटी, उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए आपको उसको कंडीशन करना ज़रूरी है। अब जैसे आप बाल होते हैं, बाल को भी आप शैम्पू करते हैं, शैम्पू इज़ क्लीनिंग, ठीक है। शैम्पू हमने क्लीन करा और हमारा ऑब्वियसली बॉडी में सर में नेचुरल ऑयल भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे कंडीशनर की जरूरत नहीं है, हम फिर भी कंडीशनर लगाते हैं बिकॉज इट हेल्प्स, ठीक है। तो उसी तरीके से वुड में भी नेचुरल ऑयल है लेकिन इसमें भी आपको एक कंडीशनर लगाना है। अब वो जो कंडीशनर है, अब वो कंडीशनर कौन सा लगाना है, अब हम उस पर आते हैं कि कंडीशन कैसे करना है। वंस अगेन दिस इज आफ्टर यू क्लीन्ड योर गिटार, ठीक है, जब गिटार पूरा क्लीन हो चुका है। अब इसके लिए आपको ये जानना होगा कि ये जरूरी है कि कौन सा आपका स्ट्रिंग आपका फ्रेटबोर्ड का वुड है। अब जो जनरली वुड तो आप कोई भी तरीके के वुड से गिटार बना सकते हैं, लेकिन दो तरह के वुड होते हैं, एक होता है फिनिश्ड होता है, एक अनफिनिश्ड होता है। अब ये जो होते हैं ये सारे अनफिनिश्ड हैं। अब मैं बता दूँ फिनिश्ड अनफिनिश्ड का क्या मतलब है। जो अनफिनिश्ड होते हैं वो ऐसे होते हैं जो थोड़े रॉ लगते हैं, जिसमें कोटिंग नहीं होती, पॉलिशिंग नहीं होती, ठीक है। अब ये अनफिनिश्ड होते हैं, ये डिफरेंट वुड्स यूज़ होते हैं, लेकिन 95% ऑफ दीज अनफिनिश्ड वुड्स हैपन टू बी आइदर रोजवुड या एबनी, ठीक है। ये गिटार जो है ये रोजवुड है। मैंने जो इंडिया में जनरली गिटार्स देखे हैं वो रोजवुड ही देखे हैं। रोजवुड जो होता है वो थोड़ा लाइटर होता है, कलर में थोड़ा लाइट होता है, एबनी थोड़ा डार्क होता है। रोजवुड जो होता है इसका जो ग्रेन होता है थोड़ा वीक होता है, नॉट एग्जैक्टली वीक होता है लेकिन उसमें वेयर एंड टेयर थोड़ा ज़्यादा होता है, एबनी में थोड़ा भी कम होता है। तो जो रोजवुड होते हैं ये जो तरीके में बताने के हिसाब आप रोजवुड में कर सकते हैं। जो दूसरे फिनिश होते हैं, फिनिश्ड इज समथिंग लाइक मेपल। अब मेपल का आपको एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। This is my bass guitar. Can you see the guitar? So, it's a bass guitar.
ये मेपल है, ये थोड़ा लाइटिश सा है, वाइटिश येलोइश काइंड ऑफ फ्रेटबोर्ड। अब ये पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन इसकी जो फ्रेटबोर्ड है ना, ये पॉलिश होता है तो ये शाइन करता है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है थोड़ी सी, आई डोंट नो इफ यू कैन मेक आउट, लेकिन दिस इज एक्चुअली अ मेपल फ्रेटबोर्ड। तो मेपल फ्रेटबोर्ड होता है, मेपल फ्रेटबोर्ड को आपको कंडीशन करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सब तरीके, ये सब चीज़ें, कि जो अनफिनिश्ड वुड है एबनी और रोजवुड, इसको आपको कंडीशन करना है, मेपल को कंडीशन नहीं करना। तो आई एम गेसिंग आप में से 95% लोग तो अकूस्टिक गिटार ही प्ले करते हैं और इलेक्ट्रिक गिटार भी प्ले करते हैं, तो मेपल काफ़ी उनके पास नहीं होते, तो आप सबके लिए चीज़ें रेलिवेंट है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो थी वुड की, तो वुड ये मेरा रोजवुड है, रोजवुड को मेरे को कंडीशन करना ज़रूरी है। अब कंडीशन कैसे करना है, कंडीशन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑयल होते हैं, कौन से ऑयल होते हैं, अगेन आई नो पीपल जो ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं थिंकिंग कि ऑलिव ऑयल इज़ वेरी प्योर, एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल कभी नहीं यूज़ करते, ऑलिव ऑयल इज़ वेरी एसिडिक, कोई भी एसिडिक चीज़ आपने फ्रेटबोर्ड में लगानी नहीं। फिर और कौन से होते हैं, कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल नहीं लगाना, कोकोनट ऑयल से क्या होता है कि अगर ठंड होता है तो कोकोनट क्या होता है, जम जाता है ना, सॉलिडिफाइज, तो अगर आपका सॉलिडिफाई होकर गिटार पे हो गया तो फिर मान लीजिए गिटार भी खराब। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो इंटेंट ऑफ ऑयल है, ऑयल हम इसलिए नहीं लगा रहे कि ऑयल को लगा के हम रखें, ऐसे नहीं है, तेल की तरह नहीं है कि लगा के हमें 2-3 घंटे लग गए, ऐसे नहीं, यू हैव टू अप्लाई इट एंड क्विकली क्लीन इट ऑफ इमीडिएटली, 1-2 मिनट रुक जाओ चाहे जिसको ताकि पूरा सोकिंग हो जाए, लेकिन यू हैव टू क्लीन इट इमीडिएटली, ऐसा नहीं है कि लगा के रख लिया। तो लेमन ऑयल जो होता है, लेमन ऑयल अगर आप प्योर लेमन ऑयल लेंगे तो डोंट अप्लाई बिकॉज वो बहुत एसिडिक होता है, तो इसलिए ये प्रोडक्ट है डनलॉप का है, दिस इज द अल्टीमेट लेमन ऑयल, इट्स कॉल्ड डनलॉप 65, ये जो है ये, दिस इज अगेन अ प्रोडक्ट विच आई रेकमेंड, तो इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएगा, जिसको भी आप परचेज कर लीजिएगा, ये 472 रुपीज़ का आता है अमेजोन में, तो वंस अगेन नीचे लिंक होएगा, अगर आप उसके थ्रू परचेज करेंगे अमेजोन का लिंक है, तो मेरे को उसमें से थोड़ा सा छोटा सा स्मॉल फी मिलेगी फॉर रिकमेंडिंग दिस, सो इट बी नाइस इफ यू कुड डू दैट। लेकिन ये सेकंड प्रोडक्ट है विच आई डेफिनेटली थिंक यू शुड बाय, ये जो है ये ऑयल मैंने 2011-12 में लिया, तो इसको भी 5 साल हो गया और देख लो बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ, तो आप मान के चलिए ये मेरे पोतों के जो पोते होंगे ना, वो भी यही बॉटल यूज़ करेंगे, तो इट्स दैट गुड, क्योंकि इसमें लगाना द इम्पॉर्टेंट थिंग इसको लगाना का एक तरीका होता है जो लोग सही नहीं करते, मैंने यूज़ कम पता है। एनीवे, सो लेमन ऑयल जो होता है, लेमन ऑयल प्योर लेमन ऑयल आपने कभी नहीं लगाना, ये जो है इसको आप यूज़ करिएगा, ये असल में इसमें लिखा नहीं है, बट आई नो इसमें उन्होंने लिखा नहीं है, वैसे दिस इज नॉट एक्जैक्टली लेमन ऑयल, दिस इज एक्चुअली मिनरल ऑयल, इसमें कुछ मान के चलिए 98-99% मिनरल ऑयल होता है, 1% लेमन ऑयल होता है, आई डोंट नो इसको लेमन ऑयल कहते क्यों है, स्मेल्स अ लिटिल लाइक लेमन, बट इट्स जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ लेमन लेमन ऑयल, 99% इज जस्ट मिनरल ऑयल, ठीक है। तो इसका फायदा क्या होता है, ये ज़्यादा देर तक ये इवेपोरेट हो जाता है बेसिकली, सो दैट्स व्हाई यू शुड बी यूजिंग इट टू कंडीशन योर फ्रेटबोर्ड, ओके। सो अब इसको कंडीशन कैसे करना है, कंडीशन करने के भी तरीके होते हैं, मैंने इन्होंने क्या करा, इन्होंने बेसिकली डनलॉप जो कंपनी, इन्होंने बड़ी स्मार्ट चीज़ करी कि इन्होंने ऊपर एक एप्लीकेटर या जो भी बोलते हैं एप्लीकेटर लगाया हुआ है, तो इसको देख के लोगों का लगता है कि इसको लिया और टक 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 पूरा लगा दिया। नाउ दिस इज प्राइमरली बिकॉज दे वॉन्ट कि आप इसको ज़्यादा कंज्यूम करें, जबकि इसको लगाने का सही तरीका ये नहीं है, बिकॉज अगेन इट्स ऑयल, ऑयल को आपने दबा के नहीं लगाना, इसको ज़रा सा लगाना है। The actual way to apply lemon oil is by using a cloth. मैं वही cloth ले रहा हूँ because it's not very dirty. वैसे clean cloth होना चाहिए. और clean cloth लेके ऐसे करिए और इसमें oil लगाइए. अब क्योंकि इसमें ये लगा हुआ है तो इतना ठीक तरह से निकले ना, but हाँ ठीक. That's it. That's इतना हमारे oil लेना है और इसको हमने लगाना है। Now, obviously बेटर रहेगा कि आप ग्रेन के साथ रहें, बट अगर आप अगेंस्ट भी जा रहे हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैं बता चुका हूँ क्योंकि ये सॉफ्ट क्लॉथ है, तो मैं अगेंस्ट भी चलेता हूँ, ठीक है। ऐसे लिया, लगाया लगाया, अब हमने पूरे फ्रेटबोर्ड में लगा दिया। नाउ इमीडिएटली ओ माय गॉड, आई फील अ किलिंग, एनीवेज इमीडिएटली आप इसको अब क्लीन भी कर सकते हैं, कर लीजिए,
डू नॉट वेट. कई कई लोग होते हैं जिसको जो कहते हैं कि रात को लगा के रखो, सुबह हम करेंगे, वो सब मत करना. मेरे हिसाब से ऑयल जो है इट्स नॉट गुड फॉर द फ्रेटबोर्ड, तो जितनी जल्दी हो सके जस्ट वाइप इट ऑफ. ठीक है, तो आई जस्ट वेट फॉर मतलब 5 seconds. मैं थोड़ा और बड़बड़ कर लेता हूँ एंड उसके बाद आई जस्ट क्लीन इट ऑफ, दैट्स इट. मेरा मैं चाहता नहीं कि ये लगा रहे. ठीक है, सो हमने यहाँ से स्टार्ट करा था, हम वहीं से इसी डायरेक्शन में जाते हैं एंड वी जस्ट क्लीन ऑल द ऑयल ऑफ. That's it. So we've already taken care of the fretboard. हमने clean करा, हमने frets को scrub भी करा, and now we've actually conditioned the fretboard as well. जैसा कि मैं आपको बताया था, ये fretboard conditioning मैं साल में एक ही बार करता हूँ. अगर तो मान लीजिए मैं बहुत regularly play कर रहा हूँ, तो मैं इसे साल में एक बार करता हूँ. अगर मैंने काफी सारे gaps लिए हैं, क्योंकि मेरे fingers का भी oil इसमें ज़्यादा नहीं लगा है, देन मैं कुछ 8-9 महीने में एक बार करता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हमें नहीं करना. ठीक है, तो हमने 2-3 ड्रॉप्स लिए हैं, 2-3 ड्रॉप्स को हमने यूज़ करा फॉर द एंटायर फ्रेटबोर्ड, और वो भी हम साल में एक बार यूज़ कर रहे हैं. आप खुद सोच सकते हैं कि इसमें 118 ml है, तो ये तो बहुत दिन चलने वाला है. तो तभी मैं बोल रहा था पोतों के पोते. सो इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट. सो आपको ये जो है ये 472 का ये ज़रूर ले लीजिएगा, ये और जो प्लैनेट वेव्स है स्ट्रिंग वाइंडर एंड कटर, ये दोनों चीज़ें आपको ज़रूर चाहिए. I hope you enjoyed the video. आपको कुछ सीखने को मिला हो. अब मैं क्या करूँगा, इसमें strings लगाऊंगा, उसके लिए I'll make a separate video कि strings किस तरह से लगानी होती हैं. Okay, so yep, I hope you liked the video and learned something. And अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज hit the subscribe button and share this video with your friends as well. And like I shared in the beginning, I am also there on Instagram. You can follow me there and on Facebook as well. मेरा page है. को भी आप फॉलो कर सकते हैं जस्ट टू स्टे इन टच एंड स्टे अपडेटेड. ओके, सो ऑन दैट नोट आई विल साइन ऑफ एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.